ओके हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जय दर्शन करे, सबको प्रणाम एंड नमस्कार। क्योंकि अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। यू कैन नॉट टच इच अदर, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योगा दैट इज नमस्कार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये सी ए फाइनल के वंडर विजन है और इसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सी ए फाइनल के वंडर विजन को, फॉर द पर्पज ऑफ कि जितने भी मई 20 या नवंबर 20 वाले बच्चे हैं उनको ये वंडर विजन्स काफी अच्छे से काम में है। पर इस बार खास करके मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर सी ए फाइनल वंडर विजन्स का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लो और आपको मेरे तरफ से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, इसलिए मैं इस बार एक एक्स्ट्रा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे आप इस लेक्चर का टाइटल देख सकते हो, सी ए फाइनल वनडे रिविजन, लास्ट डे रिविजन एंड मैराथन लेक्चर पार्ट 1, जो है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ द लॉ। पहले तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कौन कौन सा कंटेंट कवर करने वाले हैं, कैसे कैसे कवर करने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कौन कौन सा कंटेंट चाहिए। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपने जो बोला हुआ कंटेंट है मैं उसको कवर करने की कोशिश करूं। ठीक है, पहले आप मेरा सुन लीजिए कि कौन कौन सा कंटेंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सो इससे आपको शायद आइडिया आएगा। रेडी, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं बिना समय जाया किए। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वी आर एट सीए फाइनल्स और हमारा जो लॉ है वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों। सबसे पहला है कंपनी लॉ, दूसरा पार्ट है सिक्योरिटी लॉ और तीसरा पार्ट है इकोनॉमिक लॉ। जैसे ऑलरेडी सबको पता है कि कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ ये दोनों मिलके आते हैं 70 मार्क्स के लिए। सिक्योरिटी लॉ में दो टॉपिक्स है, सेबी और सिकरा। इकोनॉमिक लॉ ये आता है 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ, वी विल सी विद दैट। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिखना और ये पूरा बेसिक लेक्चर बहुत अच्छे से लिखना, मतलब जिनको सच्चाई सुननी है लॉ के बारे में और जिनको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत तगड़ा और कॉन्फिडेंट होना है, प्लीज ये लेक्चर पूरा देखिएगा। भले ही ये बेसिक्स है, पर मैं आपको बोलता हूँ मैं इस लेक्चर में ऐसी ऐसी चीजें बोलूंगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, कि किस तरीके से आपने लॉ पढ़ना चाहिए एक्सेट्रा। तो प्लीज इस लेक्चर को बड़े गौर से देखना, प्लीज इसको स्किप ना करना। ठीक है, सो यही मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज गो विद द सेम। रेडी, लेट्स गो। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर मैं आपको बोलूं तो फर्स्ट थिंग ये है कि कंपनी लॉ और इकोनॉमिक लॉ में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक लॉ से, तो हमारा इसके बाद का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक लॉ। वैसे तो हम हमेशा डायरेक्टर से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार हम फेमा सेबी सिकरा, फेमा आईबीसी एफसीआरए, इन चैप्टर से शुरू करेंगे। और इन चैप्टर से इसलिए शुरू करेंगे बिकॉज ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक लॉ में दिक्कत आती है, और नियरली 6 चैप्टर्स है 30 मार्क्स के लिए। और अगर आप ये 6 चैप्टर दिल से कर लो, या इसमें से हम जितने कवर करेंगे 5 चैप्टर्स वो दिल से कर लो, तो आपका काम हो जाएगा, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा नियरली 30 मार्क्स का। तो ये चीज को आपने याद रखना, इसलिए मैं ये चैप्टर पहले रहा हूं। हालांकि देखा जाए तो कंपनी लॉ में जो बेसिक डायरेक्टर वाला पोर्शन है वो सबको पता है, अपना फोर्टे है, एक्चुअली अपना फोर्टे पूरा सब्जेक्ट ही है, पर डायरेक्टर्स बहुत सारे बच्चों को ये इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये फोर्टे है, और अदर लॉ सबको बोरिंग लगता है, इसलिए उनको लगता है कि ये फोर्टे नहीं है। पर सब्जेक्ट में फोर्टे सभी चीजें हैं, वो हर एक चीज का पढ़ाने का अपना अपना टेक्निक है। सो इकोनॉमिक लॉ में हम शुरू करेंगे इस बार। हर बार मैं वनडे रिविजन डायरेक्टर से शुरू करता हूँ, मेरे मुझे लगता है कि इकोनॉमिक लॉ की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस बार से, क्योंकि 6 चैप्टर्स है 30 मार्क्स है, और हम अगर 5 भी इसमें से मेन मेन वाले कवर कर ले तो बहुत अच्छा एडवांटेज हमको यहाँ पे आ सकता है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहला चैप्टर जो कवर करने वाला हूँ इकोनॉमिक लॉ में, दैट इज फेमा। और इस बार का वनडे रिविजन हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं, चैप्टर वाइज मतलब एक एक चैप्टर में रखूंगा, तो आप जब चाहो तो चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। कई बार चैप्टर देखने में सेंस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए चैप्टर वाइज रिवीजन हो नहीं पाता, तो इस बार से हम चैप्टर वाइज एक 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 लेक्चर डालेंगे। सो पहला है हमारा फेमा, दैट इज ईयर है 1999, सबको शायद पता ही होगा, फिलहाल ईयर वीयर छोड़ो, मैं कंटेंट बोलू स्ट्रेट अवे। दूसरा हम कवर करने वाले हैं आईबीसी, जो अगेन इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर हम कवर करने वाले हैं पीएमएलए। अब पहले ये 3 चैप्टर्स कवर क्यों करेंगे, पीएमएलए एफसीआरए हम सीक्वेंस चेंज करेंगे, पर ये 3 चैप्टर जरूर कवर होंगे, क्योंकि ये आपको ग्रुप 1 में लॉ में भी काम में आते हैं और 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी काम में आते हैं, तो नियरली ये आधा पोर्शन है 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो इसको रिविजन करने के पीछे का मकसद ये है कि दोनों सब्जेक्ट नियरली आपके प्रिपेयर होने चाहिए। चौथा
दैट इज फोर्थ वन जो आने वाला है, दैट इज एफ सी आर ए, और फिफ्थ वन दैट इज सरफेस एरिया। मैं आर्बिट्रेशन काउंसिलिएशन यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसके लेक्चर्स मेरे यूट्यूब के ऊपर वगैरह अपलोडेड है, आप उनको प्लीज देख सकते हो, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ पांच लेक्चर्स में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ विद द अमेंडमेंट्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ है ना। अमेंडमेंट्स यहाँ पे डिटेल में नहीं होंगे, मैं उसके लिए आपको रेफर करना चाहूंगा कि आप नवंबर 19 और मई 20 के अमेंडमेंट लेक्चर देखो। साथ में कंपनी लॉ में हम क्या क्या कवर करना चाहेंगे इसको भी मैं पहले डिक्लेयर कर दूं, पहले सिक्योरिटी लॉ में डिक्लेयर कर देते। वी विल ट्राई टू कवर सेबी, सेबी के अंदर हम सेबी एक्ट एंड सेबी एलओडीआर कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे को अभी भी पहले क्वेरी पूछते हैं, सर आईसीडीआर अप्लीकेबल है क्या, इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन? तो बेटा नहीं। उसके बाद में दूसरी चीज जो हम कवर करने वाले हैं सिक्योरिटी लॉ में, दैट इज सिकरा। ये दोनों टॉपिक हम कवर करने वाले हैं बिकॉज ये दोनों टॉपिक मिलकर नियरली वेटेज 10 से 12 मार्क का आ सकता है। क्लियर है? अगर दिमाग खराब हो गया तो सेबी बहुत ही खतरनाक चैप्टर है पूछने के हिसाब से। फिर आता है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बच्चों दो पार्ट्स के अंदर, जैसे सबको पता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा वाला एरिया लेंगे दैट इज कंपनीज एक्ट अदर्स, जिसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट मिसलेनियस टॉपिक्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बोर्ड मीटिंग्स एंड इट्स पावर्स, एंड तीसरा दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रिमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। खैर ये चीज को हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज में। कंपनीज एक्ट अदर्स में हम इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन इस बार स्किप कर रहे हैं क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में नवंबर 19 में इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काफी सवाल आ चुके। होप सो इंस्टीट्यूट ये वीडियो ना देख रहा हो, ठीक है? क्योंकि नहीं तो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ही पूछ लेंगे, तो हम कवर ना करेंगे। बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप पढ़ो, लास्ट टाइम इसके ऊपर दो सवाल पूछे थे और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर इतने सवाल आने चाहिए। उसके बाद में ऑब्वियसली हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन कवर करेंगे, तीसरा हम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कवर करेंगे, चौथा रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज, छोटा सा चैप्टर है 4 सेक्शंस का, हम उसको यहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे। रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इसका ऑलरेडी लेक्चर शायद मेरा यूट्यूब के ऊपर है, आप इसको देख लेना। उसके बाद में पांचवा चैप्टर हम वाइंडिंग अप कवर नहीं करने वाले, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑलरेडी यूट्यूब पे है तो आप प्लीज वहां से इसको कर लीजिएगा। सिक्स्थ वाइंडिंग अप हम यहां पे नहीं करने वाले क्योंकि चैप्टर का लेंथ बहुत बड़ा है और इसके ऊपर 5 से 10 मार्क ही आते हैं, तो हम इसको आप सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा तो हम ट्राई करेंगे। उसके बाद में सेवेंथ चैप्टर जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं दैट इज फॉरेन कंपनी, कंपनीज ऑथोराइज टू रजिस्टर, ये चैप्टर डिलीट हो चुका है तो उसके बारे में डिस्कशन का कोई सेंस नहीं है। उसके बाद में एट्थ चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इज अ गवर्नमेंट कंपनी, नाइन्थ चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इज अ एनसीएलटी, बहुत छोटा सा चैप्टर बचा है एनसीएलटी, मेन सोल तो एनसीएलटी का डिलीट कर दिया इंस्टीट्यूट ने। और फिर अगर हमारे पास समय वगैरह बचा तो विल गो फॉर स्पेशल कोड एंड देन फॉर मिसलेनियस। मिसलेनियस में तो 3 ही सेक्शन है जो इधर उधर क्रॉस रेफरेंस में ही कवर हो जाते हैं, तो इतने चैप्टर्स हम कवर करने वाले। आप बेसिकली देख सकते हो कि बहुत सिलेक्टेड चैप्टर मैंने डिलीट किए हैं, हालांकि आईसीडीआर तो कॉम्पिटिशन में ही नहीं है, इसको डिलीटेड हम मानेंगे नहीं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने डिलीट किया है। दो ही चैप्टर मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, दैट इज इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड वाइंडिंग अप। तो इतना कवर, और एसीए, सॉरी माय मिस्टेक, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन। पर आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन ये आप यूट्यूब से कर सकते हो, मेरे लेक्चर अभी भी यूट्यूब के ऊपर इसके लिए अवेलेबल है। ये हमारा वन डे रिविजन होगा इस बार का, ठीक है? इसके साथ में अब मैं नोटिस देना चाहूंगा बेसिकली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग ली थी। सिंपल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं और अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं। ये हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में ऑलरेडी क्लियर किया था, आई रिपीट, ये मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी क्लियर किया था, पर बहुत सारे बच्चों को शायद ये चीजें वो स्किप कर देते हैं या घाई में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक बार मैं क्लियर कर दूं कि भाई मार्च और अप्रैल, के पहले जिन्होंने 2019 के पहले जिन्होंने रिकॉर्डिंग लिखी थी मई 20 एग्जाम के लिए, आपको अमेंडमेंट देखने हैं मई 19 के, नवंबर 19 के एंड मई 20 के। ये मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमेशा बोलता हूँ कि जो अर्ली प्रिपरेशन करते हैं उन्हें तीनों अमेंडमेंट लेक्चर देखने, और हो सकता है तो आप प्लीज आपके बुक सेट चेंज कर लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है, तो बुक सेट चेंज करना है। ये आपने जब लेक्चर लिए होंगे तभी मैंने आपको बोला होगा कि इट इज रादर बेटर कि आप नए बुक्स के साथ पढ़ो, नहीं कुछ तो भी बूस्टर रिविजन कोर्स ले लीजिए, उसके साथ आपको बुक्सर से बुक सेट आ जाएगा, या आप नॉर्मल बुक सेट भी परचेस कर सकते हो अगर आपको कोर्स नहीं देखना, तो कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने
आफ्टर, ये बिफोर वाला है, जिन्होंने मार्च अप्रैल रिकॉर्डिंग लिया होगा, मार्च अप्रैल रिकॉर्डिंग लिया होगा 2019 वाला, उन्होंने नवंबर 19 के अमेंडमेंट्स देख रहे हैं और साथ में मई 20 के अमेंडमेंट्स देख रहे हैं। जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 2020 वाला लिया होगा और 2019 वाला लिया होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उन्होंने नवंबर 19 के एक्चुअली आपको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस में कवर्ड है। पर मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि नॉर्मली इंस्टीट्यूट लास्ट दो अमेंडमेंट्स पूछती है और वैसे भी नवंबर 19 का एक ही अमेंडमेंट लेक्चर है तो आपका समय वेस्ट भी नहीं होगा और उसमें से आ गया तो चार मार्क का स्ट्रेट अवे आ जाएगा। और मई 20 के लेक्चर्स उन्होंने पूरे तरीके से देखने हैं, अगर आप इतना देख लो तो आपके अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे। बिफोर मार्च अप्रैल वालों को मैं रेफर करूंगा कि प्लीज बुक सेट ले लीजिए, मार्च अप्रैल वालों को भी मैं रिकमेंड करूंगा ले लीजिए, बट इट इज योर चॉइस क्योंकि आप मार्किंग करके रखते हो, बहुत सारी चीजें लिख के रखते हो तो ऐसे सिचुएशन में इट इज रिक्वायर्ड कि भाई आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि आपने क्या लिखा है, इसलिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, कर सकते हो तो प्लीज कीजिए। और अक्टूबर नवंबर 2019 का जो रिकॉर्डिंग जिन्होंने लिया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने नवंबर 19 के रिकमेंडेड है देखना, इफ यू कैन स्किप विद दैट बट आई विल सेल की प्लीज एटलीस्ट नोट्स तो भी इसके एक बार देख लेना। और मई 20 के तो आपको अमेंडमेंट्स देखने ही हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ चल तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेट करना अच्छे तरीके से, इतनी चीजें हमको कवर करनी है, ये इंट्रोडक्शन है। अब पहले मैं इकोनॉमिक लॉ से शुरू करने वाला हूं, सो फर्स्ट एरिया वी आर गोइंग टू कवर इज इकोनॉमिक लॉ, सेकंड एरिया वी आर गोइंग टू कवर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर थर्ड एरिया वी आर गोइंग टू कवर इज मिसलेनियस टॉपिक्स। सो प्लीज इसके साथ में जाइए, मैंने एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर किया था सीए फाइनल लॉ को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, अगर आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखा होगा तो उसके अंदर मैंने दो तीन स्ट्रेटेजीज मेंशन की थी, उसमें से एक स्ट्रेटेजी है पास होने की कि इको लॉ 30 मार्क्स का फिक्स कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉर्मली 25 से 30 मार्क का आता है, 25 to 30 मार्क्स ये फिक्स कर लो, ये दोनों नियरली 55 से 60 मार्क के आते हैं, अगर इसमें से आप 40 निकाल लिए, 40 मार्क्स अगर आप इसमें से निकाल लिए तो ऐसे सिचुएशन में आपको काफी अच्छा स्कोर आपका आ सकता है, मतलब मिसलेनियस टॉपिक और इसमें से आपको हार्डली 20 मार्क लेने हैं जो नियरली आपका 40 मार्क का है, मतलब हाफ ऑफ द मार्क्स आपको स्कोर करना है जो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सो प्लीज गो विद द सेम, ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे। एक और स्ट्रेटेजी है कि कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से कर लो और इकोनॉमिक लॉ के दो तीन चैप्टर कर लो, हालांकि वो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, इसके लिए मेरा हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल का लेक्चर कृपया करके देखिए, वो आपके बड़े काम में आएगा। सो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो दिस इज वी आर स्टार्टिंग विथ, अब इस लेक्चर के अंदर मैं बेसिक्स ऑफ लॉ कवर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स ऑफ लॉ ही नहीं पता होते कि किस तरीके से लॉ बनता है एक्सेट्रा, और एग्जाम में कई बार इन चीजों का नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रेफरेंस आता है, और मुझे आगे जो चीजें पढ़ानी है वन डे रिवीजन में उनको अगर मुझे इजी करना है तो मुझे ये चीजें ऑब्वियसली पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर इसके ऊपर सवाल रेज करते हैं तो क्वेरीज रिसीव करने के लिए और बहुत सारे बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दैट इज बेसिक्स ऑफ लॉ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इंडिया में कितने तरीके के लॉ बनते हैं ये बहुत सारी चीजों को बहुत सारे बच्चों को ही नहीं पता होता, तो आई विल स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल नंबर 245 में, ये बेसिक्स ऑफ लॉ लेक्चर और हर एक ने कंपलसरी देखना है, इसके ऊपर अगर मुझे क्वेरी आई तो आई एम वेरी सॉरी मैं इसको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम लॉ प्रिपेयर करते हैं और लॉ प्रिपेयर करने का पावर आर्टिकल नंबर 245 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट को देकर रखा है। अगर ये रेगुलर बैच होता तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ओपन करके दिखा था, पर अभी हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम स्पीड अप में जाएंगे। फिर आपको इन लॉज को सिलेक्ट करना पड़ता है आर्टिकल नंबर 246 में, क्योंकि 246 में लिखा है कि लॉ आप 7th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिस्ट के हिसाब से बना सकते हो, जिसके अंदर तीन टाइप के लॉज आते हैं, यूनियन लॉज, स्टेट लॉज और कॉन्करेंट लॉज। यूनियन लॉज मतलब जो पूरे इंडिया को एक जैसे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, फेमा, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। स्टेट लॉज वो जो किसी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुजरात में लिकर बैन है, बिहार में भी लिकर बैन है, यकीन नहीं होता पर है, सुनो तो जस्ट गैग। तो इस सिचुएशन के हिसाब से इसे स्टेट लॉ कहते हैं। कॉन्करेंट लॉ में देर आर जीएसटी, जो स्टेट और सेंट्रल इनके हिसाब से अलग अलग तरीके से अप्लीकेबल होता है, तो आपको नहीं सीखा होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। इसमें भी ये बोलना चाहूंगा कि यूनियन लॉ की अगर आप लिस्ट खोल के देखो, अगर आपके पास थोड़ा समय है तो यूनियन लॉ की लिस्ट आपको मिल जाएगी 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया में, रेगुलर बैच में हम ओपन करके दिखाते थे पर अभी नहीं, अभी बार बार मैं बोल नहीं सकता तो समझ जाना। सो यूनियन लिस्ट में 97 एंट्रीज है, स्टेट लिस्ट में 66 एंट्रीज है, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज है, और इन्हीं एंट्रीज में से लॉ क्रिएट किया जाता है, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। यूनियन लॉ और कॉन्करेंट लॉ ये पार्लियामेंट में पास किया जाता है पहले, कॉन्करेंट बाद में स्टेट लेवल पे उसको अमेंड और एक्सेप्ट किया जाता है। स्टेट लॉ ये स्टेट लेजिस्लेचर के ही पास होता है,
पार्लियामेंट जहाँ 545 मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा जहाँ 545 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा जहाँ 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट चूज करता है। स्टेट लेजिस्लेचर डिफर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेस होते हैं, पहला हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, और इनके नंबर स्टेट टू स्टेट वेराय होंगे। 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज फिलहाल हमारे पास है। ये चीज होने के बाद में अगला है लॉ ऑफ लैंड। व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ ऑफ लैंड? लॉ ऑफ लैंड के अंदर आता है सबसे पहले एक्ट, जो लॉ आप पढ़ रहे हो, फिर डिपार्टमेंट के सर्कुलर नोटिफिकेशन रूल्स, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस। डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन मतलब अमेंडमेंट, सर्कुलर मतलब क्लैरिटी, रूल्स मतलब प्रोसेस टू पास द लॉ। इस बार मैंने जो मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर डाला है, मॉड्यूल अपडेशन के नोट दिए, उसमें मैक्सिमम इंस्टीट्यूट ने रूल्स ही दिए हैं, तो कृपया करके एक बार उन रूल्स को आपने रीड कर लीजिएगा। उसके बाद में लास्ट आता है कस्टम, पर इसमें एक चीज, अगर इंटर वाले लेक्चर देख रहे होंगे, आप ओल्ड फाइनल वाले लेक्चर देख रहे होंगे, तो उन्होंने यहां पर मैंने एक और चीज बताई थी, ऑर्डिनेंस। 5 स्टार मार्क है बच्चों, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? 5 स्टार मार्क है, बड़ी काम की चीज है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। ऑर्डिनेंस ये तहलका है, बेसिकली देखा जाए तो ऑर्डिनेंस मतलब ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, पर इमरजेंसी के वजह से जिसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है, पर जो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ पर इमरजेंसी के वजह से जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस ये हमें अप्लीकेबल था लास्ट अटेम्प्ट तक के, जो अभी अमेंडमेंट एक्ट हो गया है, दैट इज कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, ये हमें अप्लीकेबल है और हम इसको पढ़ रहे हैं। मेरे सभी लेक्चर्स इसी ऑर्डिनेंस के हिसाब से अमेंडेड है। ये पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के पास सेशन नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये लॉ प्रेसिडेंट से पास करवा लिया और बोल दिया कि आगे जाके जब पार्लियामेंट के सेशन होंगे तो उन सेशंस के अंदर हम इस लॉ को एक्सेप्ट कर लेंगे, इस ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है कांसेप्ट? अब ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, अमेंडमेंट नॉर्मली पार्लियामेंट में पास होता है और ऑर्डिनेंस भी उसी हिसाब से आता है। कांसेप्ट समझ में आया है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस में क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं आता है। इसलिए सीए के सिलेबस में भी सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ पूरे पब्लिक पे असर करता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये पूरे पब्लिक के ऊपर असर नहीं करता। बहुत सारे बच्चे मेरे को क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का क्वेरी पूछते हैं, मैं रेगुलर बैच में इसको 1-2 घंटे तक एक्सप्लेन करते रहता हूं। यहां सिर्फ आप बेसिक ये समझ लो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ ये पूरे पब्लिक ऑफ इंडिया पे असर करेगा, इसलिए आपके सिलेबस में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की केसेस, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सिर्फ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट या पार्टीज टू लिटिगेशन के ऊपर असर करता है, इसलिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को स्किप कर दिया जाता है। कांसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हां ना? ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद में आता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस, फिर आता है कस्टम्स और फॉरेन डिसीजन जो रिकमेंडेड है। ये है हमारा लॉ ऑफ लैंड। ये जब आप चार चीजें जोड़ दो, इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस, आप एक्ट में ऑर्डिनेंस गिन सकते हो, तो एक्ट और ऑर्डिनेंस, डिपार्टमेंट का सर्कुलर नोटिफिकेशन रूल्स, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस और कस्टम्स, हाई कोर्ट इंडिया में 24 है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में सिर्फ एक है। क्लियर है कांसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने याद रखना। नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर मैं जा रहा हूं, दैट इज कोई भी लॉ पढ़ने के पहले 4 स्टेप्स आपके बड़े क्लियर होने चाहिए। मैं देखता हूँ सीए फाइव के बच्चे पूरा का पूरा लॉ पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको चीजों के बारे में ज्ञान ही नहीं होता, और बाद में फिर डिफिकल्टी फेस करते हैं कि सर ये अथॉरिटी कैसा, ये स्ट्रक्चर कैसा। तो कोई भी लॉ शुरू करने के पहले 4 आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप अभी भी क्लियर कर सकते हो तो प्लीज कर लो, इससे आपके मार्क्स में और कॉन्फिडेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। पहला, कोई भी लॉ शुरू करने के पहले सबसे पहले आपने जानना चाहिए बच्चों हिस्ट्री के, उस लॉ के पीछे हिस्ट्री क्या है, उस लॉ का लॉजिक क्या है, उसका स्कोप क्या है। मैं हर लॉ पढ़ाते वक्त पहले उसका हिस्ट्री बोलता हूं, अगर आपको पता होगा तो। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, व्हाई ये लॉ लोगों ने क्यों फॉलो करना चाहिए। इसके अंदर हम एंट्री नंबर लिखते हैं, जो मैंने ऊपर एंट्री नंबर लिखा था स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंट्री कॉन्करेंट लिस्ट का, वो हम इसके अंदर देखते हैं। फिर आता है बेटा अथॉरिटी स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चे ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर बिना पढ़े ही लॉ पढ़ने में चले जाते हैं। मतलब मैं अभी भी पूछूं कि कंपनीज एक्ट का अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या है, तो आप में से 70-80% बच्चे ऐसे होंगे जो को पता ही नहीं होगा कि कंपनीज एक्ट का अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या है। बिना कंपनीज एक्ट का अथॉरिटी स्ट्रक्चर पढ़े बच्चे अथॉरिटी कंपनीज एक्ट खत्म कर देते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली गुड थिंग, ये आपको डैमेज कर सकता है बच्चों। सो अथॉरिटी स्ट्रक्चर अगर आप देखो बड़े अच्छे तरीके से, तो हर लॉ में अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज लॉ का ड्राफ्टिंग और पासिंग सिर्फ 5% है। मेनली तो लॉ 95% पब्लिक को, 95% अथॉरिटी को इंप्लीमेंट करना है। ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस या अथॉरिटी ही नहीं रहेगा तो लोग तो सिग्नल तोड़ेंगे ही, दैट्स व्हाई अथॉरिटी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है बच्चों चैप्टर स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चे चैप्टर स्ट्रक्चर को भी निग्लेक्ट करते हैं।
हम नॉर्मली चैप्टर स्ट्रक्चर पहले क्रिएट कर लेना चाहिए, चैप्टर स्ट्रक्चर आपने पहले लिख लेना चाहिए जिसके सामने आपकी रेंज ऑफ चैप्टर्स बनी हुई होनी चाहिए। अपने सभी स्टूडेंट के पास ये चैप्टर स्ट्रक्चर पेंडिंग होगा, जिसके पास जिससे मेरे से नहीं पढ़ा है, मेरे स्टूडेंट से आप चैप्टर लिस्ट का एक जेरोक्स ले सकते हो, मैंने उनको ऑलरेडी लिख के दिया है। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। अब मैं अथॉरिटी स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आपको समझ में आएगा। अब मैं दो अथॉरिटी स्ट्रक्चर आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। नॉर्मली अभी बीजेपी गवर्नमेंट में, ये अभी चेंज भी हो सकता है नंबर, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा, बीजेपी गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था तो उसके पास 35 मिनिस्ट्रीज थे सेंट्रल गवर्नमेंट में और 28 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये बेसिकली कंपनीज एक्ट को गवर्न करने वाले मिनिस्ट्री है। अगर आप देखो तो ये कंपनीज एक्ट का अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, मैं इसको पहले समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप देखो तो कंपनीज एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अलग होती है, जुडिशियल अथॉरिटी अलग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के चेयरमैन दैट इज निर्मला सीतारमन, निर्मला दीदी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जिसके अंदर 7 रीजनल डायरेक्टर्स आते हैं और फिर आते हैं उसके नीचे एक्टिव कंपनीज के लिए 22 आरओसीज, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। रीजनल डायरेक्टर के साइड में आता है, वैसे आप इसको रीजनल डायरेक्टर के नीचे भी बोल सकते हो या पैरेलल अथॉरिटी भी बोल सकते हो, वैसे भी लिक्विडेटेड कंपनी के लिए है, जो आता है लिक्विडेटर्स, जो अथॉरिटी है लिक्विडेटर्स। नॉर्मल लिक्विडेटर बन सकते हैं सीए, सीएस, सीएमए, आईबीबीआई की आप एग्जाम दे दो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो आप लिक्विडेटर बन सकते हो, काम मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में जुडिशियल अथॉरिटी में आता है एनसीएलटी, नैकलेट और सुप्रीम कोर्ट। ये चीज को आपने याद रखना, एनसीएलटी नेशनल कंप्लेंट लॉ ट्रिब्यूनल, नैकलेट नेशनल कंप्लेंट लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट कंपनीज एक्ट में नहीं आता। फिर अगर हम देखें कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब अगर आप अथॉरिटी स्ट्रक्चर नहीं समझते तो मैंने इनकम टैक्स का भी देख रखा है, सबसे पहले आता है सीबीडीटी और फिर आता है असेसिंग ऑफिसर्स, ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेम निर्मला दीदी, क्लियर है। जुडिशियल अथॉरिटीज में आता है बच्चों सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर, फिर सीआईटी, फिर सीसीआईटी, फिर आईटीआईटी, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये है जुडिशियल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल स्ट्रक्चर, प्लीज ये चीज को थोड़े अच्छे तरीके से याद रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लॉ को इंप्लीमेंट करता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर ये बेसिकली लॉ के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं, उनको सॉल्व करता है। दैट्स व्हाई ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट या किसी भी लॉ में घुसने के पहले। मैंने कंपनीज एक्ट का तो दे दिया, बाकी भी लॉज का मैं टाइम टू टाइम दूंगा, लेकिन पहले आपको जहां जहां जरूरी है वहां वहां पर, हर लॉ का नहीं, वहां वहां पर मैं दूंगा, पर आपने कोई भी लॉ अगर पढ़ना है तो इसी स्ट्रक्चर को पहले पढ़ना है, बाद में आपने बची हुई सब चीजें पढ़नी है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना। मैं चाहूंगा कि इनके आप स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए अगर आपको नहीं पता होगा तो, क्योंकि ये आपके काम में काफी आएगा और आपका कॉन्फिडेंस इससे बहुत बूस्टअप होगा। प्लीज गो विद द सेम, गो फॉर इट फास्ट। दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वाला स्क्रीनशॉट ये भी ले लीजिए लॉल का। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, 4 स्टेप्स यू शुड रीड बिफोर द लॉ। फिफ्थ, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर। चल हो गया। फिर उसके बाद में आई वुड रादर गो टू नेक्स्ट कंटेंट। आ जाइए। ओके, नेक्स्ट कंटेंट जो हम कवर करने वाले हैं उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता होते, इसलिए मेरे को कुछ एरियाज आपको दिखाने पड़ेंगे। शायद आपने इस तरीके से पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ एरियाज आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। लेट्स गो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी तो सबको आते हैं, लेकिन ये हमारा वन डे रिविजन लेक्चर सबके लिए अप्लीकेबल है, दैट इज इकोनॉमिक लॉ और कंपनी लॉ, इसलिए मेरे को वापस बोलना पड़ेगा। कंपनीज और टाइप्स ऑफ कंपनीज का टाइप आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं है रिविजन, ठीक है। आयला मेरी काउ, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। आय, ला पर से लाइबिलिटी, मेरी पर से मेंबरशिप, सी पर से कंट्रोल, ओ पर से ओनरशिप, ऊ पर से ऑब्जेक्ट और डब्ल्यू पर से वर्किंग। इतने पार्ट्स में कंपनीज को डिवाइड किया जाता है।
इनकॉर्पोरेशन में देखो तो चार्टर्ड कंपनी, स्टेटूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, ये सभी डेफिनेशन हम नहीं देखेंगे, प्लीज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इसको देख लेना। मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले कवर कर रहा हूं यहाँ पे। अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड में भी गारंटी शेयर, और एक आती है कॉम्बो, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी और स्मॉल कंपनी, कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट और सिस्टर कंसर्न, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, और वर्किंग के हिसाब से एक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी और सिक कंपनी। अब इसमें से जो मैं कवर करने वाला हूँ दैट इज बेसिकली, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दैट इज अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता। अ कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वर्ड यूज किया है रेस्ट्रिक्ट, नॉट प्रोहिबिटेड। बहुत सारे बच्चे इसको समझ में नहीं पाते इंटर लेवल पे, तो अभी समझ लो क्योंकि हमारे काम में आने वाला है आगे। रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट बोला है, प्रोहिबिटेड या बैन नहीं बोला है, मतलब आप ट्रांसफर कर सकते हो पर रेस्ट्रिक्टेड वे में, तो किसको, तो मेंबर्स को और रिलेटिव्स को। रिलेटिव के डेफिनेशन दी है 2 सबसेक्शन 77 में, याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, रिलेटिव्स रहते हैं साथ साथ, रिलेटिव्स रहते हैं केवल एक बार साथ साथ, तो 2 सबसेक्शन 77 याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना। फिर उसके बारे में अगर हम नीचे देखें तो रिलेटिव के अंदर कौन कौन आता है, तो बंदे के 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, एक स्टेप इधर एक स्टेप उधर, तो मदर फादर, उसके बाद में ब्रदर सिस्टर, फिर उसके बाद में सन, सन के वाइफ, डॉटर, डॉटर का हस्बैंड और खुद का स्पाउस, इतने लोग रिलेटिव में आते हैं जो है 9 लोग। ब्रदर के दुल्हन, सिस्टर का हस्बैंड रिलेटिव में नहीं आता, इनके सभी स्टेप्स रिलेशन आते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्टेप डॉटर के बारे में काफी डिस्प्यूट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिकली आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आए। इसमें से जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है, जैसे सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड छोड़ के जो लोग हैं उनके साथ ब्लड रिलेशन होता है तो क्लोज रिलेटिव होते हैं, क्लियर है। स्पाउस के साथ भी ब्लड रिलेशन होता है, स्पाउस खून पिता है, तो क्लोज रिलेटिव होते हैं 7। अगर आप ये 2 नीचे, सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड निकाल दो, जवाई को और बहू को आप निकाल दो, तो ऐसे सिचुएशन में क्लोज रिलेटिव होते हैं बच्चों 7, ये चीज को याद रखना। तो इन्हीं लोगों को आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। ओपीसी का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1 होता है, मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 2 होते हैं। ओपीसी में एक ही बंदा होगा, मैक्सिमम 200 बंदे हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद में बोला गया है कि भाई ज्वाइंट होल्डिंग 1 काउंट किया जाएगा और एम्प्लॉइज को प्राइवेट कंपनी में काउंट नहीं किया जाता। अगला, इनविटेशन टू पब्लिक इनको अलाउड नहीं है प्राइवेट कंपनी को, शेयर्स और डिपॉजिट्स के केस में या डिबेंचर के केस में भी। सो शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते, हाँ, पर डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे डिबेंचर्स है, एक्सेट्रा, बॉन्ड्स है, उनके लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकते हैं, और इसके लिए प्राइवेट कंपनी लिस्ट भी हो सकती है। इसलिए बहुत सारे बच्चों को लगता है कि प्राइवेट कंपनी इज नॉट लिस्टेड कंपनी, तो एक चीज को याद रखना, प्राइवेट कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है और प्राइवेट कंपनी आसानी से खुद के डेट इंस्ट्रूमेंट सेल कर सकती है, पर सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्टेड हो सकती है, डिपॉजिट्स के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती, नॉर्मली नहीं कर सकती, कुछ कुछ केसेस में इसको अलाउ किया जाता है, यह चीज को याद रखना। यह है डेफिनेशन ऑफ किसका, बोले बाजू से प्राइवेट कंपनी। ये चीज होने का पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी के 4 रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर मिनिमम 200 से 200, एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड, एंड इनविटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड, ये 4 रिस्ट्रिक्शन ये पब्लिक को एप्लीकेबल नहीं होते। मतलब पब्लिक इनविटेशन टू पब्लिक दे सकता है, एम्प्लॉयज जो मेंबर्स है उनको भी हम मेंबर में काउंट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर भी अलाउड है, और मैक्सिमम 200 की लिमिट नहीं है, 200 की लिमिट नहीं, इसलिए पब्लिक कंपनी के मेंबर मिनिमम 7 है, मैक्सिमम इनफाइनाइट। साथ में पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी को हम डीम पब्लिक कंपनी कहते हैं, कौन सा पब्लिक कंपनी, डीम्ड पब्लिक कंपनी। नीचे सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन लगे हाथ देख लेते हैं, बिकॉज हमने अभी अभी वही देखा है। सो कब सब्सिडरी कंपनी बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो आप किसी कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल कर लो, जैसे अभी लिमिटेड ने सल्लू प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड को कंट्रोल कर लिया, तो सल्लू प्राइवेट लिमिटेड ये सब्सिडरी हो जाएगी, साथ में डीम पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि अभी लिमिटेड ये पब्लिक कंपनी है। अगर दूसरे तरीके से सब्सिडरी क्रिएट करनी है तो मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर्स आपने कवर करने चाहिए, अगर आप मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर्स भी कवर कर लो तो ऐसे सिचुएशन में इसको डीम पब्लिक कंपनी माना जाएगा, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद में एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन आता है, एसोसिएट 2 तरीके से बनता है, किसी भी कंपनी का 20% शेयर कैपिटल होल्ड कर लो तो एसोसिएट बन जाएगी, या ज्वाइंट वेंचर कंट्रोल कर लो तो एसोसिएट बनेगी, पर इसमें बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है याद रखना। सैफ अली लिमिटेड ने अगर 20% वोटिंग पावर तैमूर लिमिटेड में लिया, तैमूर तो आपको पता होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो सैफ अली लिमिटेड ने तैमूर लिमिटेड के अंदर 20% वोटिंग ले लिया, तो तैमूर इज एसोसिएट कंपनी फॉर सैफ अली, पर सैफ अली इज नॉट एसोसिएट कंपनी फॉर तैमूर। जैसे होल्डिंग कंपनी के लिए वोटिंग पावर 50% लेने के बाद सब्सिडरी है, पर सब्सिडरी के लिए होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी नहीं होती, उसी तरीके से सैफ अली के लिए तैमूर एसोसिएट है, पर तैमूर के लिए सैफ अली एसोसिएट नहीं माना जाएगा, हां होल्डिंग, सब्सटेंशियल होल्डिंग वाला कंपनी बोला जा सकता है, क्लियर है।
उसी तरीके से यूनिटेक और टेलिनॉर का ज्वाइंट वेंचर है यूनियनॉर। तो यूनियनॉर इज एसोसिएट फॉर यूनिटेक एंड टेलिनॉर, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एसोसिएट फॉर यूनियनॉर। ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। ये चीज होने के बाद में अगला डेफिनेशन आता है ओपीसी का। बहुत सारे बच्चों को ओपीसी के बारे में दिक्कत रहती है, तो मैं इसको पहले समझा दूं। चार चीजें आपने ओपीसी में याद रखनी है। सबसे पहले, इंडिविजुअल ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है और वो रेसिडेंट होना चाहिए। अब रेसिडेंस का डेफिनेशन आपको फेमा में देखना पड़ेगा। और ओपीसी में मेंबर और नॉमिनी दो लोग होने चाहिए, क्योंकि ओपीसी का मेंबर अगर मर गया, एक ही मेंबर है मर गया, तो कंपनी कौन चलाएगा, इसलिए नॉमिनी होना चाहिए। आप एक समय पे एक ही ओपीसी के मेंबर रह सकते हो, लेकिन आईसीआई ने अलाउड किया है कि एक समय पे एक ओपीसी का मेंबर और नॉमिनी आप जरूर हो सकते हो, या नॉमिनी और मेंबर हो सकते हो, नॉमिनी नॉमिनी भी हो सकते हो। लेकिन इसमें से अगर जहां आप नॉमिनी हो ऑलरेडी कहीं मेंबर हो, और जहां आप नॉमिनी हो वहां अगर ओरिजिनल मेंबर निपट गया, तो यू विल हैव चॉइस टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द कंपनी। नीचे दिए गए केसेस में भी सेम सिचुएशन अप्लाई होगा। ओपीसी का मैक्सिमम लिमिट पेडअप कैपिटल का होता है 50 लाख, और टर्नओवर का मैक्सिमम लिमिट होता है 2 करोड़, और ये दोनों चीजें कंप्लाई करनी है। अगर आपने इसमें से एक भी कॉन्ट्रावेंट किया, तो आपको 6 महीने का ट्रांजिशन पीरियड मिलता है रूल 6 सब रूल 1, और आपने अगर दोनों कॉन्ट्रावेंट किए, तो यू सीज टू बिकम ओपीसी इन रूल 6 सब रूल 2 सब रूल 3 सब रूल 4। तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है कंसेप्ट? मैक्सिमम, इसलिए हम नॉर्मली हर ओपीसी को हमेशा स्मॉल कंपनी का दर्जा देते हैं, बिकॉज स्मॉल कंपनी की लिमिट 50 लाख से 10 करोड़ होती है, और स्मॉल कंपनी की लिमिट 2 करोड़ से 100 करोड़ तक होती है। टर्नओवर की, पेड अप कैपिटल की 50 लाख से 10 करोड़, और टर्नओवर की 2 करोड़ से 100 करोड़। ये में भी डेफिनेशन हम स्मॉल कंपनी का देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, वो भी देखेंगे, जस्ट वेट। ओपीसी दो टाइप का बिजनेस नहीं कर सकती, पहला है एनबीएफसी और दूसरा है सेक्शन 8 कंपनी। कौन सा कंपनी बोले एक बार जो से? सेक्शन 8, क्योंकि एनबीएफसी ये बैंकिंग कंपनी है, इससे बैंकिंग सेक्टर्स को डैमेज हो जाएगा। बैंकिंग कंपनी नहीं है पर लेंडिंग वाली कंपनी है, तो बैंकिंग सेक्टर को डैमेज होगा। और ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकता, बिकॉज एक बंदा चैरिटेबल एसोसिएशन क्रिएट नहीं कर सकता, वो उसका डिसएडवांटेज उठाएगा। ओपीसी के नाम में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा, एड में आएगा वर्ड ओपीसी। ओपीसी के नॉमिनेशन देना है तो फॉर्म्स को याद रखना, आईएनसी फॉर्म नंबर 2 नॉमिनेशन का है, 3 रिटर्न कंसेंट, आईएनसी फॉर्म नंबर 4 चेंज इन नॉमिनेशन, 5 अगर आप 50 लाख या 2 करोड़ वाली में से कोई भी लिमिट तोड़ते हो तो, और 6 है आपको कंपलसरी कन्वर्जन करना पड़ेगा ये लिमिट तोड़ने के बाद, सो INC 6। इतनी चीजें आपको ओपीसी के बारे में याद रहनी चाहिए। ये डेफिनेशन 4 बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। क्लियर है? तो मैं फिलहाल चाहूंगा कि आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेके रखो, गो फॉर इट फास्ट। सबसे पहले आपको इसका चाहिए तो इसका ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। जिन्होंने क्लास में लिखा हुआ है रेगुलर बैच वाले, उनको लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बुक में ऑलरेडी होगा बच्चों। चलो इसका ले लिया। सेकंड प्राइवेट कंपनी का ले लो, 268, बहुत बढ़िया। थर्ड पब्लिक कंपनी का ले लो, बहुत बढ़िया। फोर्थ सब्सिडरी कंपनी का ले लो, बहुत बढ़िया। एसोसिएट कंपनी का, ओपीसी, ले लिए सबने स्क्रीनशॉट्स, एक बार रिव्यू कर लीजिए। चलो डन। अब इसके बाद में एक वो डेफिनेशन मैं यहां पे लेने जा रहा हूं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, और वो डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी का। ठीक है, अब बड़े अच्छे से ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चों ने इंटर में इनको समझ में नहीं आता, फाइनल पे भी समझ में नहीं आता। सो फाइनल के बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बेसिक लेक्चर इस बार वन डे रिविजन में ले रहा हूं, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। ठीक है, स्मॉल कंपनी सबसे पहले पब्लिक कंपनी नहीं होती, ये होल्डिंग सब्सिडरी या स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं होती, या सेक्शन 8 कंपनी नहीं होती, ये कंपनी स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती। तो स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी हो सकती है? प्राइवेट और ओपीसी। और अगर प्राइवेट या ओपीसी भी इन 3 कैटेगरीज में फंसती है, तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं हो पाएगी। तो पहले मैंने वो निकाल दिया जो है ही नहीं। क्लियर है? फिर प्राइवेट और ओपीसी में जिनका पेडअप कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़ है, या टर्नओवर 2 करोड़ से 100 करोड़ है, एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो कंपनी स्मॉल होगी। बहुत सारे लोगों को यह लगता है, मतलब जिनका पेडअप कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़ है वो स्मॉल है। बच्चों फिर क्या 50 लाख के नीचे वाली कंपनी का होगी? टाइनी नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैं समझाना चाहूंगा स्मॉल कंपनी कैसे बनता है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। यह है मॉनिटरी लाइन, 0 से लेकर 50 लाख, 50 लाख से लेकर 10 करोड़, और 10 करोड़ के ऊपर। तो यह चीज को याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास चॉइस है कि वो 50 लाख से 10 करोड़ में कोई भी लिमिट सेलेक्ट कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ स्मॉल कंपनी, और फिर वो लिमिट तक के
रहने वाली कंपनी स्मॉल मानी जाएगी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 70 लाख का लिमिट डिक्लेयर किया, तो जीरो कैपिटल से लेके 70 लाख जिनका कैपिटल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 अगर ये लिमिट है, तो 1920 के लिए ऐसी सभी कंपनीज को स्मॉल कंपनी माना जाएगा जिनका पेड अप कैपिटल 70 लाख तक है, प्रोवाइडेड टर्नओवर भी अपने लिमिट में हो। क्लियर है? अगर 2021 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 5 करोड़ बोला, तो जीरो से लेकर 5 करोड़ वाली हर कंपनी स्मॉल होगी। अगर एक 25-26 के लिए उन्होंने 10 करोड़ बोला, तो 10 करोड़ तक की सभी कंपनी स्मॉल होगी, क्योंकि 10 करोड़ विद इन लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस लिमिट को 50 लाख के नीचे नहीं ले जा सकता, 50 लाख के नीचे नहीं ले जा सकता, मतलब जीरो से लेके 50 लाख वाली हर कंपनी कंपल्सरीली हमेशा स्मॉल होगी, कंपल्सरीली स्मॉल होगी। और 10 करोड़ के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की लिमिट को ले नहीं ले जा सकता, मतलब 10 करोड़ के ऊपर की हर कंपनी कंपल्सरीली बिग होगी, क्योंकि मिनिस्ट्री इसके ऊपर लिमिट को लेकर नहीं जा सकता, मतलब वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ नहीं सकती, इसलिए हर कंपनी बिग होगी। और 50 लाख के नीचे ले नहीं जा सकता, मतलब 50 लाख के नीचे वाली हर कंपनी स्मॉल होगी। ये चीज को आपको समझना बड़े अच्छे तरीके से जरूरी है। अब आप सोचना, ओपीसी 50 लाख के ऊपर नहीं जा सकता, क्लियर है, और स्मॉल कंपनी 50 लाख के नीचे नहीं आ सकती, इसलिए ओपीसी हमेशा स्मॉल कंपनी होता है बच्चों। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, तो जीरो से लेके 100 करोड़ तक के, उसमें भी जीरो से लेके 100 करोड़ और जीरो से लेके 2 करोड़, तो यह बात को याद रखना कि जीरो से लेके 2 करोड़ वाली हर कंपनी स्मॉल है, क्योंकि इसके नीचे एमसीए नहीं जा सकता, प्रोवाइडेड कि आपका पेड अप कैपिटल भी लिमिट में हो, और 100 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी हमेशा बिग रहेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता भैया कि आपका पेड अप कैपिटल 10 लाख है और आपका टर्नओवर है 200 करोड़, तो आपको स्मॉल बोला जाएगा। दोनों कंडीशंस कंप्लाई करना जरूरी है। सो मिनिस्ट्री ने टर्नओवर के केस में अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 3 करोड़ का लिमिट बोला, तो जीरो से लेकर 3 करोड़ वाली हर कंपनी स्मॉल होगी। 2021 के लिए 70 करोड़ बोला, तो जीरो से लेकर 70 करोड़ वाली हर कंपनी स्मॉल होगी। और अगर 100 करोड़ बोला, कितना करोड़ बोले एक बार, जैसे 100 करोड़, तो 25-26 में जीरो से लेकर 100 करोड़ वाली हर कंपनी स्मॉल मानी जाएगी। ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना है, और ये दोनों लिमिट्स है। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफी सारे बच्चों के फाइनल को नहीं समझ, फाइनल के बच्चों को नहीं समझता, प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। ले लिया? इसका भी ले लीजिए। बहुत बढ़िया, ये अगर आपको समझ में आ गया, तो यहां पे आपको स्मॉल कंपनी समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद में कैटेगरीज ऑफ पिलर्स ऑफ कंपनी है, लेकिन ये हम नहीं लेंगे, ओरिजिनल बैच वालों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आप अगर देख सकते हो तो प्लीज आप एक इसका स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए जो इस चीज को समझना चाहते हैं। मैं इसको समझा तो नहीं पाऊंगा समय की कमी की वजह से, पर स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए, अगर आपको समझ में आया तो एक बार रीड कर लीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हु कैन कंडक्ट द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, ये भी मेरे को थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। हाँ, इस चीज को मेरे को थोड़ा सा फास्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि हम मीटिंग्स के थ्रू बहुत ज्यादा जाने वाले हैं। ठीक है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हु कैन कंडक्ट द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्रिएटर्स। ठीक है? क्रिएटर्स पहले खत्म करते हैं। क्रिएटर्स नॉर्मली खुद के राइट्स के लिए मीटिंग कंडक्ट करते हैं, वाइंडिंग अप के लिए करते हैं, अमल कमीशन मर्जर या फिर लिक्विडेशन के केस में, या आईबीसी के केस में ये मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ 7 दिन की नोटिस लगती है, जिसमें सिर्फ 2 रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी यूनैनिमस। एक चीज को अगर आपने याद रखना, ऑर्डिनरी और यूनैनिमस रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में दो ही होते हैं, बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता। अगर आपके दिमाग में बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन का दिक्कत है, तो ये बहुत गलत बात है बेटा, ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, इंटर पे ही पता होना चाहिए कि बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता। रेगुलर बैच में 50-50 बार मैंने बच्चों से लिखवाया, मारो कमेंट नीचे कि बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता, तो जाके आपको याद रहेगा, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, और कब्र के अंदर भी याद रखना। फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पहला प्रेफरेंस शेयर्स और फिर इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की क्लास मीटिंग, इक्विटी शेयर के डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाली मीटिंग होती है। अगर एक सेपरेट क्लास ऑफ शेयर होल्डर की मीटिंग है, जैसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, तो उसे हम क्लास मीटिंग कहते हैं। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर एक साथ बैठे, तो उसे हम जनरल मीटिंग कहते हैं। जनरल मीटिंग 3 टाइप की होती है, स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग में कंपनीज एक्ट में अंदर कोई सेक्शन नहीं है, पर ये रियलिटी है, सब्सटेंस है। 1 महीने बाद और 6 महीने के पहले इनकॉर्पोरेशन के बाद आप जो मीटिंग होल्ड करते हो, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, ये सेक्शन नंबर 96 में आता है, जिसके अंदर 3 कंडीशन है, मेरे पीछे बोलना। 1 कैलेंडर ईयर में 1 AGM होना है, बोलो। शानदार। 2 AGM के बीच में 15 महीने होना है, बोलो।
जो नहीं बोलेगा उसको अटेम्प्ट की कसम, उसका एक्स उसके वाई के साथ भाग जाएगा, याद रखना। सो दो एजीएम के बीच में 15 महीने होना है, दो एजीएम के बीच में 15 मंथ्स का गैप होना है, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। बोलो, अभी इस हिसाब से देखा जाए तो एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम 31 दिसंबर, एजीएम के बीच का डिफरेंस 15 मंथ्स, ये वेरिएबल है, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने में तो 30 सितंबर आएगा, 31 मार्च से 6 महीने 30 सितंबर, इसमें से विचोरीज अर्लीएस्ट तो 30 सितंबर या नॉर्मली ड्यू डेट ऑफ एजीएम रहता है, इस चीज को याद रखना। अगला, कैनॉट होल्ड एजीएम, क्लियर है कांसेप्ट? सेक्शन नंबर 100 में जब हम एजीएम होल्ड नहीं कर सकते तो हम ईजीएम लेंगे। अब एजीएम का सेक्शन याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, एजीएम होती है बिजनेस आवर्स में, तो 9 AM to 6 PM सेक्शन नंबर 96, और सेंचुरी मारना 100 मारना नॉर्मल बात है या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर 100, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। एजीएम में दो टाइप के बिन्नेश होते हैं, बिन्नेश, ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिन्नेश, स्पेशल बिन्नेश, ऑर्डिनरी बिजनेस दादा, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4, सब जन बोलो मेरे को एक बार और नीचे कमेंट भी डालो, दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4 और स्पेशल बिजनेस बचे हुए होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, DADA, डायरेक्टर ऑडिटर डिविडेंड अकाउंट, सब जन बोलो डायरेक्टर ऑडिटर डिविडेंड अकाउंट, डायरेक्टर के लिए 160, ऑडिटर के लिए 139, डिविडेंड के लिए 123, अकाउंट के लिए 137, और स्पेशल बिजनेस जो ऑर्डिनरी बिजनेस छोड़ के सभी बिजनेस है वो स्पेशल होंगे। इन ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस के लिए दो टाइप की नोटिस होती है, पहली होती है ऑर्डिनरी और दूसरी होती है स्पेशल। ऑर्डिनरी नोटिस 21 क्लियर डेज की होती है, जिसमें 21 डेज प्लस 1 डे ऑफ पोस्टिंग, 2 डेज ऑफ ट्रांजिट, 1 डे ऑफ मीटिंग इज इक्वल टू 25 डेज, मतलब अगर आप 1 जून 2025 को आप नोटिस दोगे तो डे ऑफ पोस्टिंग, 2 जून 3 जून 2 डेज ऑफ ट्रांजिट आएगा, फिर एक 21 क्लियर डेज आएंगे जो 4 जून से लेकर 24 जून तक रहेंगे, और फिर 1 डे ऑफ मीटिंग यहां पे आएगा, दैट इज 25th of June। इस तरीके से ऑर्डिनरी नोटिस दी जाती है। स्पेशल नोटिस ये बेसिकली 4 केसेस में ही लगती है, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में, ये रिकमेंडेड है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में मैंने क्लास में ही बोला था ये रिकमेंडेड है, मैंडेटेड नहीं है, 169 में ये मैंडेटेड है, ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ क्या लिखवा से, सॉरी रिमूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 139 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए ये मैंडेटेड है, 141 में रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए मैंडेटेड है, क्लियर है सबको? हाँ, है ना, तो 4 केसेस में ये नोटिस लगती है, जिसके अंदर 14 क्लियर डेज का नोटिस होता है। अब 14 क्लियर डेज को आप 7-7 दिन के दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 7 डेज और 7 डेज के दो पार्ट में डिवाइड कर लो, जिसमें पहला एरिया आता है रिक्विजिशन का, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता पहला एरिया रिक्विजिशन का और बाद का एरिया है ट्रांसमिशन का। रिक्विजिशन ये करेंगे 1% ऑफ वोटिंग पावर होल्डर या 5 लाख का कैपिटल, नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, डायरेक्टर को रिमूव करना है, 1% वोटिंग पावर होल्ड करनी चाहिए, 5 लाख का कैपिटल होल्ड करना चाहिए, और इससे आपने अप्लाई करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये नोटिस को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो 1 जून 2025 को अगर रिक्विजिशनिस्ट जो 1% वोटिंग पावर होल्डर या 5 लाख का कैपिटल है इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस दिया, तो 7 दिन तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये नोटिस रहेगा, कंसेप्ट समझ में? और फिर 7वें दिन के बाद 8वें दिन को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस देते हैं सेपरेटली अपने शेयर होल्डर को, लेकिन 8वां दिन मैक्स है, ये 7 दिन के अंदर ही नोटिस देना चाहिए, 8वां दिन मैक्स में यहां पे बोल रहा हूं 1 डे ऑफ पोस्टिंग काउंट करने के लिए। फिर 2 डेज ऑफ ट्रांजिट आते हैं, देखो 1 डे ऑफ पोस्टिंग आ गया नोटिस का, 2 डेज ऑफ ट्रांजिट आ गया यहां पे 9th और 10th, फिर 1 डे ऑफ मीटिंग माना जाएगा 7 दिन के बाद, सो 11 से 17 में 7 दिन हम काउंट करते हैं, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू ऑल शेयर होल्डर्स नोटिस वगैरह पहुंच गया इसलिए, और फिर 1 डे ऑफ मीटिंग आता है तो बराबर 18 डेज काउंट होते हैं, दैट इज 14 डेज प्लस 1 डे ऑफ पोस्टिंग, 2 डेज ऑफ ट्रांजिट एंड 1 डे ऑफ मीटिंग, तो 1 जून को अगर आपने नोटिस दिया तो 18 जून को मीटिंग होना चाहिए, ये 18 डेज का टोटल कैलकुलेशन है, इस चीज को आपने याद रखना। अब ये 3 टाइप के मीटिंग में, 2 टाइप के बिजनेस में, 2 टाइप के नोटिस में, 3 टाइप के रेजोल्यूशन आते हैं, और मैं यकीन दिलाता हूं बहुत सारे बच्चों को रेजोल्यूशन तक पता नहीं होते, जब क्वेरी पूछते हैं तो ऐसी ऐसी क्वेरी पूछते हैं कि भाई क्या अब मैं क्या बोलू इसके बारे में, इसलिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग का हमेशा होना चाहिए, तो इसके अंदर जो सिक है, जो कंपनी में मीटिंग में आके सो रहे हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा, सो अगर 110 मेंबर है, 5 सिक है, 5 सो रहे हैं मीटिंग में आके, तो 101 गिने जाएंगे और 101 में से 51 फेवर में चाहिए और 50 अगेंस्ट। बहुत सारे बच्चे इसको 51% रेजोल्यूशन बोलते हैं, पर याद रखना 51% के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो मिट्टी खाओगे, वो भी किलो किलो से, ठीक है, तो ये 1001 का अगर मैं एग्जांपल लूं तो 1001 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो 501 फेवर में चाहिए, 500 अगेंस्ट हो सकते हैं, और आपको पता होगा तो 501 ये 51% नहीं है, 1001 का 51% ये 511 आता है, हमें ऑर्डर रेजोल्यूशन के लिए सिर्फ 501 चाहिए, एक वोट इन फेवर ज्यादा होना चाहिए अगेंस्ट से, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन समझ में आ गया, क्लियर है कांसेप्ट? फिर आता है स्पेशल रेजोल्यूशन, इसमें तो भैया कतई जहर है,
बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं, कतई जहर, मतलब बच्चों को मालूम ही नहीं है कि भैया ये स्पेशल रिजोल्यूशन ऐसे काम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान देना। वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय वोट अगेंस्ट। वोट कास्टेड इन फेवर शॉल बी एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ द वोट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। अब अगर 1000 मेंबर है तो मुझे फेवर में 750 चाहिए, अगेंस्ट में 250। 1001 है तो फेवर में 751 चाहिए, अगेंस्ट में 250। 1002 है, अगर मैं इसके आंसर निपटा दूं तो बोलो 1002 में कितने, 1002 में स्पेशल के लिए कितने, तो भैया 752 और 250। 1003 में 753 और 250। 1004 में इट्स 753 एंड 251। बहुत सारे बच्चों को स्पेशल रेजोल्यूशन समझ में नहीं आता, पर मैंने यहां पे जानबूझ के दिया है क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। क्लियर है? यूनानिमस में ऑल द वोट्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर शुड बी काउंटेड इन द फेवर ऑफ रेजोल्यूशन। यह है यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस रेजोल्यूशन कंपनीज एक्ट में 3 जगह पे लगता है। सबसे पहला, अगर आपको लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, सीए इंटर लेवल पे ऑलरेडी आ चुका था, नहीं पढ़ा होगा तो याद रखना, लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है तो यूनानिमस रेजोल्यूशन। दूसरा, अगर प्राइवेट कंपनीज को खुद के एम्प्लॉइज को मेंबर करके गिनना है, शेयर होल्डिंग लेने के बाद मेंबर करके गिनना है तो यूनानिमस रेजोल्यूशन। एंड तीसरा वाला, सेक्शन 162 में दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर एक साथ अपॉइंट करना है तो यूनानिमस। ऑल द वोट शुड बी इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन विदाउट एनी वोट अगेंस्ट इट। ये है आपके मीटिंग्स का कंसेप्ट। 3 टाइप की मीटिंग, 2 टाइप के बिजनेस, 2 टाइप के नोटिस, 2 टाइप के रेजोल्यूशन, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता। हालांकि बोर्ड का यूनानिमस रेजोल्यूशन देखो तो सिर्फ 2 केस में लगता है, सेक्शन 186 लोअर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी एंड 203, जिसके अंदर हम एक बंदे को किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर साथ में अपॉइंट कर रहे हैं 2 जगह पे। तो ये चीज को याद रखना। ये है आपका मीटिंग्स वाला चार्ट, अगर चाहो तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। ले लिया सबने? डन डन। ये नोटिस वाला एरिया है, डन। ये रिजोल्यूशन वाला एरिया है। हाँ, और अब यहां पे ले लिया, यहां पे मैं एक चीज क्लियर करवा दूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है ऑर्डिनरी बिजनेस में ऑर्डिनरी नोटिस, ऑर्डिनरी मीटिंग, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। निकम्मो नलायको, ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी बिजनेस में सब ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी नहीं होता, इट डिपेंड्स फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। और ना ही स्पेशल बिजनेस में स्पेशल 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 होता है कि स्पेशल बिजनेस तो ईजीएम होगा, स्पेशल नोटिस एक्सेट्रा ना, और स्पेशल नोटिस लगेगी, कुछ भी नहीं। ये डिपेंड है सेक्शन टू सेक्शन। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दू, सेक्शन नंबर 162 ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स है, भले ही 2 या 2 से ज्यादा क्यों ना हो, पर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ही ये माना जाता है बेटा स्पेशल बिजनेस। ठीक है, 162 में 2 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना इज अ स्पेशल बिजनेस, जिसके लिए लगता है यूनानिमस रेजोल्यूशन और स्पेशल नोटिस के साथ भी हो सकता है। और ये नॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, कई सारे बार इसको ऑर्डिनरी बिजनेस में मानते हैं, तो ऑर्डिनरी बिजनेस माना तो भी चलेगा, पर बात ये है ये सेक्शन टू सेक्शन डिपेंड है कि भैया इसको स्पेशल नोटिस लगेगी, इसको यूनानिमस रेजोल्यूशन से पास किया जाएगा, ये ईजीएम ईजीएम कहीं पे भी हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इस चीज को कृपया करके भूल जाइए और इसका एक्स्ट्रा उपजाऊनेस कट कीजिए। ये है बेसिक्स जो मुझे मीटिंग के लेने थे। फिर उसके बाद में अगली चीज जो काम की है, मेमोरेंडम वगैरह के क्लॉजेस तो आपको पता ही होंगे। हाँ, एक चीज बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती, वो मैं यहां क्लियर कर दूं। एक सेक्शन है सीए इंटर लेवल पे कि एक्ट टू ओवरराइड एमओए। और कई हमारे सिचुएशन में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर में, एनसीएलटी जब ऑर्डर पास करता है उस वक्त, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में कई बार एनसीएलटी कुछ इस कदर एमओए एओए अमेंड करता है कि वो एक्ट को ओवरराइड कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे मेरे को सवाल पूछते हैं, सर क्या एमओए एओए एक्ट को ओवरराइड कर सकता है? तो पहले मैं सेक्शन 6 समझा दूं, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। बात इतनी सी बोली थी सेक्शन 6 में कि कंपनीज एक्ट विल ओवरराइड एमओए एओए, पर ये सिर्फ 5% या 10% सच है। कंपनीज एक्ट तो एमओए एओए को ओवरराइड करेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में, जैसे चैप्टर अगर मैं बोलूं तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में एक सेक्शन है 242 ऑर्डर बाय एनसीएलटी। इसमें एनसीएलटी एमओए एओए में अगर अमेंडमेंट करता है तो वो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर सकता है। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में भी ऐसा एक केस है। सो नॉर्मल प्रोविजन है कि कंपनीज एक्ट विल ओवरराइड एमओए एओए, ये उसके एक्सेप्शन है। पर अगर मैं नॉर्मल प्रोविजन बताऊं तो कंपनीज एक्ट सिर्फ एमओए को ओवरराइड नहीं करता, डिपार्टमेंट का सर्कुलर रूल्स और नोटिफिकेशन भी ओवरराइड करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन भी ओवरराइड करते हैं, इसी को हम लॉ ऑफ लैंड कहते हैं, लोल। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, एमओए एओए भी बायलॉज को ओवरराइड करता है कंपनी के, रेजोल्यूशंस को ओवरराइड करता है,
एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को रगड़ता है। हालांकि अगर ये रेजोल्यूशन ही एमओए को अमेंडमेंट करने वाला हो तो उसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पिलर जैसे टॉप मैनेजमेंट, की मैनेजर पर्सन, एम्प्लॉइज और वर्कमैन को ओवरराइड करेगा। इनको एमओए के हिसाब से काम करना जरूरी। ये नीचे का लेवल हुआ। ऊपर कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करने के लिए ओवरराइडिंग लॉ आते हैं, जैसे सेबी बैंकिंग इंश्योरेंस, जैसे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड अगर एक कंपनी है तो ये बैंक भी है तो ये सेबी भी है, तो पहले इसको सेबी लगेगा, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फिर कंपनीज एक्ट, तो ये हो गया ओवरराइडिंग लॉ। ओवरराइडिंग लॉ को जो ओवरराइड करते हैं दैट इज बेसिक इंडिया के लॉ, जिसे हम बेस लॉ कहते हैं, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी एक्सेट्रा, इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके ऊपर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर आता है रीजनल लॉज, जैसे साउथ एशियाई रीजनल काउंसिल के लॉज, सार्क वाले लॉज, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी ओवरराइड करेंगे बिकॉज ये बहुत सारे नेशंस को एक साथ लेते हैं। और फिर आता है यूनाइटेड नेशंस के लॉज, जो बहुत सारे देशों को इकट्ठा करके गवर्न किए जाते हैं। अभी जैसे कोरोना वाला सिचुएशन चल रहा है तो हो सकता है यूनाइटेड नेशन कोई लॉ पास करे रिगार्डिंग भैया क्वारंटीन एक्सेट्रा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यूनाइटेड नेशन के लॉ। ये है, ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे ओवरराइडिंग प्रोविजन अगर आपको पता होंगे तो आपका लॉ का नॉलेज अच्छा रहेगा। मैं चाहूंगा अगर चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हो, गो फॉर इट। फर्स्ट, सभी चीजें मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, एक भी ऐसे नहीं है कि भाई सिर्फ टाइम पास के लिए बोल रहा हूं। डन एवरीबडी, नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सबका? तो इतनी चीजों को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। यह है बेसिकली एक्ट टू ओवरराइड एमओए। यहां तक समझ में आया? फिर आता है हमारा लॉ के कितने पार्ट्स होते हैं। अब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता तो मुझे इसको भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम 6 डिफरेंट लॉज पढ़ने वाले इकोनॉमिक लॉ में, एटलीस्ट वन डे रिवीजन में, 5 इकोनॉमिक लॉ और कंपनीज एक्ट और सेबी और सिकरा भी तो है। तो हाउ टू रीड द लॉ बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। लॉ पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और एक होता है एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? एड मतलब सहूलियत, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं निकम्मो, ठीक है? एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में हिस्ट्री, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब लॉ के बाहर की चीजें है, ड्राफ्ट के बाहर की चीजें जो आपको इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा। पहले इसको समझा दूं, हिस्ट्री ये ड्राफ्ट में नहीं लिखा होता, ये बाहर से समझाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस, डिपार्टमेंट के सर्कुलर, रूल्स, नोटिफिकेशन, कस्टम्स क्या चलते हैं उस लॉ के बारे में, फॉरेन डिसीजंस क्या है और डिक्शनरी में किसी वर्ड्स की मीनिंग दी है क्या। हालांकि मेन चीज है इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन में आपको बताना चाहिए प्रीएम्बल, जिसके अंदर होता है नेम, स्कोप, कमेंसमेंट, ये इतने काम की चीज नहीं है। डेफिनेशन, जिसमें दो चीजें हैं, कवरेज के हिसाब से डेफिनेशन और ड्राफ्टिंग के हिसाब से। कवरेज के हिसाब से डेफिनेशन दो टाइप की होती है, एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव। ड्राफ्टिंग के हिसाब से डेफिनेशन दो टाइप की होती है, दैट इज पूरे एक्ट के अंदर यूज होने वाले वर्ड के डेफिनेशन, एक्ट बेस्ड डेफिनेशन, और दूसरी होती है प्रोविजन बेस्ड डेफिनेशन, जो सिर्फ एक्सप्लेनेशन में दी जाती है। एक्ट बेस्ड कोई डेफिनेशन है तो वो सेक्शन 2 में नॉर्मली दी जाती है, कुछ एक्ट में सेक्शन 5 में, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के डेफिनेशन सेक्शन 5 में है। प्रोविजन बेस्ड डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन भी जाती है जो सिर्फ उस प्रोविजन में काम में आएगी। अब इसको समझाने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन होता है आधे एक घंटे का बच्चों, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करना जिनको दिक्कत है। फिर चैप्टर्स, चैप्टर्स डिवाइड इनटू सेक्शन, इनटू सबसेक्शन, इनटू क्लॉजेस, इनटू सब क्लॉजेस, और इसमें आते हैं प्रोविजो, जैसे प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड फर्दर ऑल्सो दैट, ऐसे बहुत सारे प्रोविजो आ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, सॉरी एक्सेप्शन, कुछ एक्ट बेस एक्सेप्शन और कुछ सेक्शन बेस। जिनको पूरा एक्ट ही नहीं लगता वो एक्ट बेस एक्सेप्शन है, जिनको सेक्शन नहीं लगता वो सेक्शन बेस एक्सेप्शन है। फिर आते हैं कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके अंदर आएंगे डैमेजेस, फाइन्स, पेनल्टीज एंड इंप्रिजनमेंट। मतलब अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो आपको डैमेजेस भी पे करने पड़ सकते हैं, फाइन आपको ये फाइलिंग फीस या एक्स्ट्रा फीस या 10 times ऑफ फीस के सिचुएशन में पड़ते हैं। पेनल्टीज के अंदर आपको फाइन्स भी कवर किए जाएंगे, डैमेजेस भी कवर किए जाएंगे, और लॉ तोड़ने के लिए सेपरेट अगर कोई चीज लगानी है तो वो भी कवर किया जाएगा। और फिर आता है इंप्रिजनमेंट, बंदा जाएगा जेल में। डैमेजेस जाते हैं एग्रीड पर्सन को, फाइन ये बेसिकली जाता है गवर्नमेंट को, पेनल्टीज या एग्रीड पार्टी गवर्नमेंट और साथ में कुछ स्पेशल अथॉरिटी को जाएगा, और बंदा जाता है जेल में। यह है कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंस। लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंस पसंद नहीं आए, आपको लगाई हुई पेनल्टी आपको पसंद नहीं आई, तो आप जा सकते हो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, जिसे कहते हैं अपील। अब अगेंस्ट ऑर्डर 3 types की चीजें होती है, पहला होता है अपील, दूसरा होता है कंपाउंडिंग और तीसरा होता है इम्यूनिटी। अपील में आप दलील मानते हो कि भैया ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, होल्ड एक सेकंड,
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कि भैया मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कोर्ट का जजमेंट चाहिए, इसे हम कहते हैं अपील। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपने ऑफेंस एक्सेप्ट कर लिया और आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि यार पहली बार ही हुआ है, प्लीज माफ कर दो, मेरी इच्छा नहीं थी ऑफेंस करने की पर अब क्या हुआ, गलती से हो गया। कंपाउंडिंग, आप गवर्नमेंट से सेटलमेंट कर रहे हो, कंपोजिशन कर रहे हो, हमारे इकोनॉमिक लॉज में मैक्सिमम जगह पे कंपाउंडिंग है। और इम्यूनिटी, जब आपके खिलाफ कोई इविडेंस नहीं है और कोर्ट को आपको बाइज्जत बली करना है तो उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी, कि आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। कई बार बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के खिलाफ इम्यूनिटी दी जाती है क्योंकि आप वो जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है, तो इसे हम इम्यूनिटी कहती है। तीन चीजें अगेंस्ट द ऑर्डर आप कर सकते हो, क्लियर है। फिर आते हैं मिसलेनियस प्रोविजंस, जिसके अंदर अलग अलग चीजें आती है और ये हमारे लॉ के अंदर आएगा। इन चीजों को मैं यही एक्सप्लेन कर दूं, बहुत अच्छे से ध्यान देना, इन चीजों को मैं यही एक्सप्लेन कर दूं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता। मिसलेनियस प्रोविजन में एक कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, हर लॉ में नियरली आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले सिविल कोर्ट को नो पावर्स, जब हमारे पांचों छह लॉ में हर एक लॉ का अपना अपना कोर्ट है, जैसे फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का खुद का ट्रिब्यूनल है फेमैट, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जब हम देखते हैं आईबीसी में खुद का एनसीएलटी है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जब हम देखते हैं एफसीआरए में खुद का ट्रिब्यूनल है, पीएमएलए पिमलैट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ट्रिब्यूनल, तो ऐसे सिचुएशन में सिविल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस बारे में कोई भी पावर्स नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी केस एंटरटेन नहीं कर सकता, ये हर लॉ में लिखा हुआ है, ये मैं कॉमन में यही पे खत्म कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। दूसरी बात बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, मैं बोल रहा हूं सिविल कोर्ट को कोई पावर नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिविल कोर्ट के पावर नहीं है, सिविल कोर्ट के जैसे पावर है जैसे प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड बुक्स, ये सभी पावर्स ट्रांसफर किए गए हैं उन उन लॉज के रिस्पेक्टिव कोर्ट को जो हमारे लॉज में दिए गए हैं, तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद में अगर कंपनी कोई ऑफेंस करती है तो कंपनी के मैनेजमेंट को पेनल्टी और जेल होगी, ये कॉमन प्रोविजन है, फेमा में भी है, एफसीआरए में भी है, आईबीसी में है। कंपनी ऑफेंस करेगी तो मैनेजमेंट को भैया जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको पेनल्टी और जेल होगा। प्रोसिक्यूशन आप गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ नहीं कर सकते अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर ने आपके खिलाफ पेनल्टी लगाया तो आप पर्सनली गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर केस नहीं कर सकते, आपको केस करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के खिलाफ, ये चीज को याद रखना। गवर्नमेंट के पास पावर टू डेलीगेट है, जब चाहे तब यूज कर सकता है, अलग अलग ऑफिसर्स को पावर दे सकता है लॉ को चलाने के लिए। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी है गवर्नमेंट के पास, ये भी कॉमन प्रोविजन है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 470 देख लो या अदर लॉज में भी आप देख लो, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है कि लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए पावर सीजी को देकर रखा है कि वो जब चाहे तब या कुछ स्पेसिफिक पीरियड तक, जैसे कंपनीज एक्ट के 470 में 5 साल का पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव द डिफिकल्टी टू इंप्लीमेंट द एक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको, हाँ है ना। कोई भी दिक्कत आता है सीजी रिमूव करेगा, ऐसे बहुत सारे लॉज में पावर टू मेक द रूल्स, ये हर लॉ में रहता है सीजी को। प्रोसिक्यूशन ऑफ अ डिसीज्ड अगेंस्ट नॉमिनी, अगर किसी पर्सन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चल रहा है, खास करके पीएमएलए में आर्बिट्रेशन में प्रोविजन है, किसी पर्सन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चल रहा है और वो मर जाता है तो वो प्रोसिक्यूशन उसके नॉमिनी के खिलाफ चलेगा और हम उस नॉमिनी के पास जो प्रॉपर्टी उसने डिसीज से इनहेरिट की उस प्रॉपर्टी में से पूरी पेनल्टीज और ड्यूज को रिकवर करेंगे। ये मिसलेनियस प्रोविजन नियरली आपको हर लॉ में मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको कॉमनली अलग ही निकाल के दे दिया आपको। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और फिर एंड में आते हैं शेड्यूल, जिसके अंदर फॉर्मेट्स होते हैं, एप्लीकेबिलिटीज होती है, अदर इंफॉर्मेशन होती है जो लॉ के लिए लगती है। ये है पूरा हाउ टू रीड द लॉ का कच्चा चिट्ठा, जो कोई भी लॉ शुरू करने के पहले आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट्स निकाल लो अच्छे इसके, गो फॉर इट फास्ट। शायद आपको नहीं पता होगा बट आई एम वेरी सॉरी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको समझाना बच्चों जरूरी है। ये इसका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपका कॉन्फिडेंस वगैरह हिला दूं, इसका इंटेंशन ये है कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो पॉजिटिवली आप इसको पढ़िए, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस भी आए और आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर करो। ठीक है, गो फॉर इट। या तो फिर इससे में तो मेरा समय बचा सकता था ना, मैं कुछ भी नहीं बोलता था, मैं स्ट्रेट अवे फेमा से शुरू करता था। चलो डन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, लास्ट वाला डन। ओके, ये है हाउ टू रीड द लॉ। इसके बाद में मैं कुछ ये चैप्टर की लिस्ट दे रहा हूं, सीए इंटर के चैप्टर की लिस्ट है, ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार सीए इंटर के सेक्शंस का क्रॉस रेफरेंस आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से ये सेक्शन बिलोंग करता है, सामने सेक्शन की रेंज भी लिखी है। सो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। चलो, कंपनीज एक्ट का एक बेसिक है,
इंट्रोडक्शन, ये मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंपनीज एक्ट पढ़ लेते हैं पर कंपनीज एक्ट बनाने के पीछे का इंटेंशन ही पता नहीं होता। सो सबसे पहली बात, ओल्ड और न्यू एक्ट का डिफरेंस देखेंगे 1956 2013, तो आपको इंटेंशन पता चलेगा। ओल्ड एक्ट में 658 सेक्शन थे, 470 सेक्शन है, पर याद रखना यहाँ के पांच पांच सेक्शन मिला के यहाँ का एक बनाया गया है। जैसे एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी, ओल्ड एक्ट में पांच अलग अलग सेक्शन थे, चार अलग अलग, यहाँ पे चार मिलकर एक सेक्शन बनाया 161। तो ये बहुत बड़ा लॉ है, ऐसे नहीं है कि सेक्शन नंबर कम हुआ तो छोटा है। यहाँ नियरली 16-17 शेड्यूल्स थे, यहाँ पे सिर्फ सात शेड्यूल है, यहाँ 34 चैप्टर्स थे, 29 चैप्टर्स है। ये नंबर थोड़ा सा विटिएट भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर बीच में डिलीट हुए थे, ऐड हुए थे, इसलिए रफली 34 बोल रहा हूँ। यहाँ 29 चैप्टर्स है। यहाँ पे अब्रप्ट ड्राफ्टिंग था, यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्राफ्टिंग किया है, रूल्स के नाम चैप्टर के नाम से लाए हैं, ई फॉर्म की इनिशियल चैप्टर के नाम के हिसाब से बनाए हैं। ओल्ड कंपनीज एक्ट बना था शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, लेकिन नया कंपनीज एक्ट बनाया है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए पहला, फिर प्रायोरिटी में आएगा एनवायरमेंट, फिर प्रायोरिटी में आएगा स्टेक होल्डर, फिर आएंगे शेयर होल्डर, फिर एम्प्लॉयज वर्कमैन और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तो इज्जत ही नहीं, उनको सबसे नीचे रखा गया है, बिकॉज सत्यम सहारा इनके ऐसे केसेस देखने के बाद यही सिचुएशन करना है। नए कंसेप्ट है 1-1 डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एनएफआरए, ऑडिट कमिटी, रेमुनरेशन कमिटी, सीएसआर, एनसीएलटी, और भी नए कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन ये मेन मेन है जो मैंने यहां पे लिख के रखे हैं। उसके बाद में ये शेड्यूल्स के नाम है, बहुत सारे बच्चों को सातों शेड्यूल भी नहीं पता होते कंपनीज एक्ट में, फिर भी लगता है कि कंपनीज एक्ट मैंने पूरा पढ़ लिया। आई एम वेरी सॉरी, पर सात शेड्यूल कंपनीज एक्ट के पता होने चाहिए। पहला है मॉडल फॉर्मेट टू एमओए, दूसरा है डिप्रिसिएशन, तीसरा है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल, थर्ड शेड्यूल अगर नहीं पता होगा तो भैया चुल्लू भर पानी में लो और निपट लो। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लियर है शेड्यूल फोर। फिर है पांचवा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में, एमडीडब्ल्यूडीडी मैनेजर के बारे में। सिक्स्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो 30 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है उनके लिए स्पेसिफिक शेड्यूल, और सेवन्थ है सीएसआर का। तो मैं चाहूंगा इनके भी स्क्रीनशॉट्स लेके रखो आप, गो फॉर इट, फास्ट होल्ड, मेरे को जाने दो। किसका ले लिया, किसका भी ले लीजिए, डन, ये भी ले लीजिए, डन। ये जानबूझ के वनडे रिविजन शुरू करने के पहले, इसलिए मैं वनडे रिविजन अभी तक नहीं दे रहा था क्योंकि ये सब चीजें बना के रखनी थी बेसिकली। चलो ये होने के बाद में अगली चीज, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के मॉडल फॉर्मेट पता होनी चाहिए क्योंकि हमें टेबल एफ, टेबल जी, टेबल ए इनका रेफरेंस आता है। मॉडल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शेयर कैपिटल कंपनी का है टेबल ए में, गारंटी कंपनी का है टेबल बी में, कॉम्बो कंपनी का है टेबल सी में, अनलिमिटेड कंपनी नो शेयर कैपिटल का है टेबल डी में, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल का टेबल ई में है। बहुत सारे लोग कंपनी बनाते हैं उनको नहीं समझ में आता है कि एमओए एओए कहां से उठा है, तो ये मॉडल बना के देके रखे हैं आपको। अब इनको इसके अंदर आर्टिकल में जाओगे तो शेयर कैपिटल जैसा का वैसा पहले इसमें आता है, फिर कॉम्बो पहले आता है, गारंटी बाद में आता है, ये ऐसा तो वो वैसा, और फिर अनलिमिटेड शेयर कैपिटल पहले आता है और अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल बाद में आता है, और फिर लिखना है एफ जी एच आई जे, तो बन जाएगा एओए। अब इसको याद कैसे करना है, तो मेरे पीछे गाना बोलिए तो याद हो जाएगा इमीडिएटली। शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी, अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल है डी, अनलिमिटेड विच शेयर कैपिटल है ई, एमओए इसी का नाम है। सब जन बोलो, शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी, अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल है डी, अनलिमिटेड विच शेयर कैपिटल है ई, एमओए इसी का नाम है। अच्छे से याद रखना, फिर एफ जी एच आई जे लिख लेना, फिर ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा तो वो वैसा तो ये ऐसा, बस इतना बोला कि आपका एमओए के टेबल याद, क्योंकि हमारे रेफरेंस में कई सारी जगह पे आने वाला है टेबल एफ, उसके बाद में टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई, हमारे रेफरेंस में आएगा, तो प्लीज इसको आप याद रखिएगा। ये होने के बाद में सेवन मेंबर, पब्लिक कंपनी में सात मेंबर ही क्यों होते हैं, ये सवाल मैंने राय बैच के बच्चों को पूछा था, अगर आपके पास जवाब है तो मुझे देखे देखिए, देखते हैं आपको कितना पता है क्यों सात मेंबर का लॉजिक, क्यों तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, क्यों सात ही, क्यों आठ नौ दस ग्यारह नहीं, सात ही क्यों, तो ढूंढना कहीं अगर मिला तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आता है आंसर राइटिंग फॉर्मेट, कि आपने किस तरीके से एग्जाम में आंसर लिखने चाहिए, बड़े काम की चीज है। प्रोविजन, उसके सामने सेक्शन किस एक्ट का है वो, पॉइंट वाइज फॉर्म में आपने आपके पॉइंट्स लिखने हैं। मैं बोलता हूं लॉ की लैंग्वेज मायने नहीं रखती एग्जाम में, अगर आपका कंटेंट 100% क्लियर है और कीवर्ड्स आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट कर रहे हो जो हमारे क्वेश्चनर में दिया हुआ है, इस बार मैंने क्वेश्चनर के रेफरेंस में वही कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है, मतलब कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया है, हाईलाइट नहीं किया है, पर आपके क्वेश्चनर में मिलेंगे। सो 1 2 3 4 पॉइंट में, फिर एक्सप्लेनेशन में,
एक्सप्लेन करो केस लॉ क्या है, फिर अगर कोई केस लॉ है तो पिटिशनर वर्सेस डिफेंडेंट और डिसीजन वन लाइन में, फिर आंसर 1, 2, 3, 4 पॉइंट के अंदर आंसर देने, फिर सजेशन। क्लियर है कंसेप्ट? और सजेशन में हम नॉर्मली लिखते हैं पेनल्टी फॉर्म्स या तो फिर कोई दूसरे केस का रेफरेंस है, क्रॉस रेफरेंस है, एक्सेट्रा। क्लियर है कंसेप्ट? इस हिसाब से आपने आंसर राइटिंग करना चाहिए, इसका भी आप चाहिए तो लिख के रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो। चलो डन, नेक्स्ट। उसके बाद ये हमारा सिलेबस है जो हम कवर करने वाले हैं। सो इसी के साथ एमओए ओए के गाने से और एक क्वेश्चन के साथ कि साथी मेंबर पब्लिक कंपनी में क्यों, एंड दिस इज हाउ हम हमारा वनडे रिवीजन शुरू कर चुके हैं। ये लेक्चर आपने भी देखना, सबको बताना, अगर आपको लगता है इससे आपको एडवांटेज हुआ तो सबको देना, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें बहुत सौ को नहीं पता होती जो मुझे यहाँ पे लगता है मैंने बतानी चाहिए, तो मैंने मेरे तरफ से पूरा ट्राई किया। प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे वनडे रिवीजन में फेमा में। ठीक है, गो फॉर दिस फास्ट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।